पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण देती है। देवनानी के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सरकार अपना इकबाल खो देगी। देवनानी ने कहा कि जब तक सदन का डंका नहीं चलता है तब तक सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती है और उनका बचाव करती है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा को इस मामले में बोलने का हक नहीं है क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और वो नोटों को ही सब कुछ मानते हैं। पार्टी को कितना नैतिक अधिकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का सब जानते हैं। मैं एक चीज गिनाऊ तो अच्छा नहीं होगा, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेता नोट हाथ में लिए हुए नोट को भगवान के बराबर खुदा के बराबर बताते रहे हों, उस पार्टी के लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ से अश्योर करता हूं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई कितना ही बड़ा हो। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती रहती है, ये भ्रष्टाचारियों को एक कांग्रेस की सरकार दबाव में ही निलंबित करती है, दबाव में ही उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। गरीब लोगों का, राजस्थान की जनता का लगभग 37 से 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी उस 40 करोड़ रुपए के पलीता लगाने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए और उनका विकास नहीं करने के लिए ये जन आधार कार्ड ला रही है ताकि 37 करोड़ रुपए जनता के उपयोग में ना आ सके। जन आधार कार्ड के नाम पर राज्य की जनता पर 37 करोड़ से ज्यादा की राशि का बोझ डाल रही है सरकार, और इसी प्रकार कल्याण कोष के नाम पर जो राशि ले रही है उससे 540 करोड़ रुपए अधिक वापस बैंकों को लौटाएगी। ये किसानों के साथ कर्जा माफी की बात को लेकर जो वादा किया था वादा खिलाफी इन्होंने की।